सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया ही रहें। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक रहेगा जनहित याचिका और न्यायिक पुनरावलोकन। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं सियारमल, अपने इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हो? भगवान से यही दुआ करता हूं आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और सुरक्षित होंगे। साथियों, हम भारतीय राजव्यवस्था के अति महत्वपूर्ण टॉपिकों पे चर्चा कर रहे थे, उसी क्रम में आज बहुत ही महत्वपूर्ण, अच्छा और वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत बार कंपटीशन में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बड़े लेवल के जो कंपटीशन है उसमें तो जो मेंस एग्जाम होते हैं वहां पर थ्योरिकल क्वेश्चन में भी इस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन दोनों टॉपिकों को हम अच्छी प्रकार से देखेंगे और सुनेंगे। साथियों ध्यान देना, आज के वीडियो में हम केवल बात करेंगे जनहित याचिका की, जबकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन की, जो कि जनहित याचिका जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL भी कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कि पिछले कई वर्षों में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है। और हम अगले वीडियो में बात करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन की, जो कि जुडिशियल रिव्यू, जो कि न्यायिक समीक्षा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे भारतीय संविधान का मूल ढांचा शब्द भी माना गया है। इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जनहित याचिका PIL। ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण है, जो कि कहा जाता है कि PIL जिसे हम जनहित याचिका कहते हैं ना, इसे अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सामाजिक क्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका, वर्गीय क्रिया याचिका के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो आज उसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, आज वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक पूरा जरूर देखना, और अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना। वैसे तो साथियों आपने लाइक कर ही दिया होगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक तो बनता है बॉस। हाँ जी, ध्यान देना, न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोमुखी बना दिया है। आज वर्तमान दौर में न्यायिक सक्रियता की अगर हम बात करें, और उसी का एक रूप है जनहित याचिका, ने ये मानो न्यायपालिका हमारे सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग, न्यायपालिका जुडिशरी के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोमुखी, जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बना दिया है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। लगभग इसकी शुरुआत 1980 से मानी जाती है, 1780 का जो दशक था ना, वहीं से ये मानो न्यायिक सक्रियता की शुरुआत हुई थी, जो कि जनहित याचिका, जो मैं बार बार कह रहा हूं PIL,
आपने नाम भी सुना होगा, जो कि उसी के अर्थ को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा कर रही हैं। ध्यान देना साथियों, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार करना जनहित याचिका या लोक हितवाद कहलाता है। ये बात नोट करना, लोक हितवाद भी कहा जाता है इसको। न्यायिक सक्रियता का ही एक रूप है लोक हितवाद, जनहितवाद, PIL। ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, ध्यान देना, लोकहितवाद या जनहित याचिका जैसा कोई भी शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं है। यह अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी इस शब्द का उल्लेख नहीं है। किसका? लोकहितवाद, जनहित याचिका का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये शब्द ही नहीं है संविधान में। ध्यान देना साथियों, आज हम बात करेंगे जनहित याचिका, PIL, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, आगामी भविष्य में बहुत काम आएगा ये टॉपिक। ध्यान दो साथियों, कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। ये मानो कि कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत, न्यायालय जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया, इस अवधारणा में बदलाव आ गया। कब? 1979, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं साथियों आपको कि 1979-80 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान देना, इसकी शुरुआत हुई थी किसकी? जनहित याचिका, PIL, जो कि 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। यहीं से जनहित याचिकाओं का दौर शुरू हो गया। जो हमारे दलित हैं, पिछड़े हैं, SI हैं, गरीब हैं, दुर्बल हैं, उनकी सहायता के लिए ये जनहित याचिका का दौर शुरू हुआ था। क्योंकि व्यक्तिगत नुकसान के कारण तो हम न्यायालय में जाते हैं, ये मानो अधिकारों का उल्लंघन होने पर, किसी विवाद में आने पर हम न्यायालय के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन हम दूसरे के लिए नहीं जाते, किसी की सहायता के लिए नहीं जाते और कहते हैं कि 1979 से इस दौर की शुरुआत हो गई। और ध्यान देना साथियों, जो बार बार एक नाम सुनते हो आप, PN भागवती, पूरा नाम बता देता हूं साथियों, प्रफुल्ल चंद नटवर लाल भागवती, जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। इन्हें भारत में लोकहितवाद, जनहित याचिका का जनक कहा जाता है, जो कि हम देखेंगे कि लोकहितवाद के संदर्भ में V.R. Kasten, सुपर जज की जिन्हें संज्ञा दी जाती है, B.R. Kasten अय्यर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे, वे एकमात्र व्यक्ति हैं जो
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों के सदस्य रह चुके हैं जो कि केरल से संबंधित थे। पहले वे केरल विधानसभा के सदस्य बने निर्दलीय, उसके बाद में वहीं मंत्री भी बने तो कार्यपालिका के सदस्य भी बन गए। जब वे विधानसभा के थे तब तो व्यवस्थापिका के हो गए, जब वो मंत्री बन गए तो कार्यपालिका के सदस्य हो गए। उसके बाद केरल हाई कोर्ट में न्यायाधीश बने और उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी वो न्यायाधीश बने। इस प्रकार से वो न्यायपालिका के भी सदस्य हो गए। इस प्रकार से वो तीनों अंगों के सदस्य रह चुके हैं। ये एकमात्र व्यक्ति कहे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हम कह सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों न्यायाधीशों के नाम जरूर तैयार कर लेना साथियों, बहुत बार पूछा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं, यहां पे नोट कर लेना साथियों, बेगम हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1978 का मामला है, 78 के मामले में भारत में PIL जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ध्यान देना PIL की शुरुआत मानी जाती है। इस मामले को जरूर तैयार कर लेना, बेगम हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1978 का मामला है जिसमें भारत के अंदर PIL की शुरुआत मानी जाती है। इस मामले में अधिवक्ता कपिला हिंगोरानी थी, याद रखना कपिला हिंगोरानी थी, जिन्हें लोकहितवाद की जननी कहा जाता है। जनक तो कौन हो जाएंगे, PN भगवती, जबकि जननी किसको कहा जाता है, तो ध्यान देना जो अधिवक्ता वकील था ना कपिला हिंगोरानी, उसको कहा जाता है। कहा भी जाता है कि SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 के मामले में PIL को भारतीय संदर्भ में परिभाषित भी किया गया, अति महत्वपूर्ण है। SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 के मामले में PIL जनहित याचिका को भारतीय संदर्भ में परिभाषित किया गया। PIL को सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय व हाई कोर्ट, उच्च न्यायालयों दोनों में जारी की जा सकती है। ध्यान देना PIL है वो, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों में जारी हो सकती है साथियों, ये बात भी नोट करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण कही जा सकती है। जो कि आप देखोगे कि कई ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने लोकहित याचिका भी लगाई है कई बार, जैसे कि कॉमन कॉज, PUCL, ADR, ये ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने लोकहितवाद पर कई बार ये मानो की याचिकाएं लगाई है, लोकहितवाद की जनहित याचिकाएं। साथियों ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है, जो बातें मैं मौखिक बोल रहा हूं उन्हें तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि वर्तमान दौर में जनहित याचिका का बहुत ही महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग भी सुनाना चाहूंगा जिस पे गौर फरमाइएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबका हित करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, आज स्थिति कुछ ऐसी है। तो देखो साथियों, और इसका पूरा पढ़ना मैं समझा रहा हूं
आपको कोशिश करना और इस पे गौर भी फरमाना, कहने का मतलब इस पे विचार भी करना। एक बार एक पक्षी समुंदर में से चोंच से पानी बाहर निकाल रहा था। दूसरे ने पूछा, भाई ये क्या कर रहा है? पहला बोला, समुंदर ने मेरे बच्चे डुबा दिए हैं, अब तो इसे सुखा कर ही रहूंगा। यह सुनकर दूसरा बोला, भाई तेरे से क्या समुंदर सूखेगा? तू छोटा सा और समुंदर इतना विशाल, तेरा पूरा जीवन लग जाएगा। पहला बोला, देना है तो साथ दे, देना है तो साथ दे, सिर्फ सलाह नहीं चाहिए। यह सुनकर दूसरा पक्षी भी साथ लग लिया। ऐसे हजारों पक्षी आते गए और दूसरे को कहते गए, सलाह नहीं साथ चाहिए, परामर्श नहीं चाहिए, हमें तो साथ चाहिए एक दूसरे का। यह देखकर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी भी इस काम के लिए जाने लगे। भगवान बोले, तू कहाँ जा रहा है? तू गया तो मेरा काम रुक जाएगा। तुम पक्षियों से समुंदर सूखना भी नहीं है, सूखना भी नहीं है। गरुड़ बोला, भगवान सलाह नहीं साथ चाहिए, भगवान सलाह नहीं साथ चाहिए। फिर क्या, ऐसा सुन भगवान विष्णु जी भी समुंदर सुखाने आ गए। भगवान जी के आते ही समंदर डर गया और उस पक्षी के बच्चे लौटा दिए। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, आज इस संकट के समय में भी देश को हमारी सलाह नहीं साथ चाहिए। गौर करो इस बात पे, ध्यान दो साथियों। आज सरकार को कोसने वाले नहीं, समाज के साथ खड़े होकर सेवा करने वाले लोगों की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है, ध्यान दो। इसलिए सलाह नहीं साथ दे, सलाह नहीं साथ दे। और ध्यान दो साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, जो साथ दे दे सारा भारत मेरा भारत, जो साथ दे दे सारा भारत तो फिर से मुस्कुराएगा भारत। तो ये दिन बीत जाएंगे, वो वापस लौटकर आएंगे हमारे अच्छे दिन, बस ये बुरे दिन है। आपको पता है, कभी धूप तो कभी छांव, कभी दुख तो कभी सुख। तो याद रखना साथियों, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा, आप केवल अपनी तैयारी को रखो ध्यान में। साथियों, मैं बार बार कहता भी हूं ना, मेरी हिम्मत को कम मत आंको, मैं वो हूं जो टूटे धागों को जोड़कर ख्वाब बुन लेता हूं। वक्त ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया, लोगों ने काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया। ना जी ना, ऐसा मत करना साथियों, ये समय ये दौर गुजर जाएगा। हाँ साथियों, आगे देखो, हमारा टॉपिक चला था लोकहितवाद, या हम कह सकते हैं जनहित याचिका। न्यायिक सक्रियता अमेरिका में उत्पन्न और विकसित हुई थी और भारत ने भी वहीं से ग्रहण किए, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका व विधायिका व्यवस्थापिका के कार्यों में हस्तक्षेप किए जाए तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। कहने का मतलब न्यायपालिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि संविधान की रक्षा व्याख्या का जिम्मा इसी का है। संविधान का संरक्षक है ये, अभिभावक है ये। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ऐसे कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान के विपरीत हो, संविधान के अकॉर्डिंग ना हो, संविधान के अनुसार ना हो। क्यों? क्योंकि ये जिम्मा रक्षा का न्यायपालिका को दिया है। आप देखते हो 125 करोड़ जनता से, जो कि हम देख रहे हैं 125 करोड़ जनता से, ये मानो कुछ ही न्यायाधीश चुनकर जाते हैं, तो कुछ तो उनमें विशेष बात होगी साथियों,
तभी वहां बैठ करके वो निर्णय करते हैं, फैसला देते हैं। तो कहने का लो न्यायपालिका की बहुत बड़ी भूमिका होती है साथियों। तो कहने का मतलब न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप किए जाए तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। भारत में जनहित याचिका की नींव रखने में सबसे बड़ा योगदान, जो मैंने पहले भी बता दिया है, हमने पीछे भी चर्चा की है, न्यायमूर्ति, ध्यान देना, मुख्य न्यायाधीश थे 17वें नंबर के, जो कि पीएन भगवती का है। पीएन भगवती का पूरा नाम क्या बता साथियों, आ भी सकता है, प्रफुल्ल चंद नटवर लाल भगवती, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे 17वें नंबर के। इनके साथ न्यायमूर्ति वी आर कृष्णय्यर, न्यायमूर्ति ओ चन्नप्पा रेड्डी तथा न्यायमूर्ति डी ए देसाई भी प्रमुख थे। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है जनहित याचिका में, ठीक है साथियों। तो इन्हें नोट कर लेना, क्योंकि पीएन भगवती और वी आर कर्सन अय्यर, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे भी गए हैं, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1980 के दशक से भारत की न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन देखा गया। न्यायपालिका द्वारा वादी प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए सुने जाने के अधिकार, न्यायपालिका में पहुंचने का अधिकार का विस्तार किया गया, ध्यान देना, का विस्तार किया गया था, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। नोट करना इस बात को, अति महत्वपूर्ण है साथियों, ये ठीक है ना, ध्यान देना इस बात पे, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। समझ में नहीं आए एक बार तो दोबारा वीडियो को अच्छी तरीके से सुनना और देखना। न्यायपालिका में पहुंचने का अधिकार का विस्तार किया गया कि आम व्यक्ति न्यायालय तक पहुंच सकता है, जनहित याचिका लगा सकता है, चाहे वो पीड़ित व्यक्ति हो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है न्यायपालिका स्वयं भी संज्ञान ले सकती है, न्यायाधीश स्वयं भी उस मामले को लेकर आ सकते हैं कोर्ट के अंदर, ध्यान देना। इस प्रक्रिया में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जनहित याचिका या सामाजिक हित याचिका का जन्म हुआ, ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसे सामाजिक हित याचिका, सामाजिक क्रिया याचिका, वर्गीय क्रिया याचिका के रूप में भी जाना जाता है, जो कि एससी एसटी दुर्बल कमजोर आर्थिक सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं ना, उनकी पहुंच हो जाए न्यायपालिका तक, कहने का मतलब उनका किसी भी प्रकार से अत्याचार ना हो, उनका उत्पीड़न ना हो, उनको सताया ना जाए, इसके लिए ये मानो कि जनहित याचिका का जन्म हुआ था साथियों। क्लियर है ना, समझ में आ रही है ना बात। इसके अंतर्गत कोई तीसरा व्यक्ति भी, मैंने क्या कहा था, वादी प्रतिवादी तो है ही, तीसरा व्यक्ति भी समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। तीसरा व्यक्ति भी ये मानो एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से रिपोर्ट भेज सकता है न्यायपालिका को, और न्यायालय के न्यायाधीशों को स्वयं को भी पता चले तो स्वयं भी संज्ञान ले सकते हैं, वो किसी दूसरे की जरूरत नहीं कि वो जनहित याचिका ही लगाए। हाँ जी, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा से निकटता से जुड़ी हुई है। मैंने पहले भी बता दिया, न्यायिक सक्रियता का ही एक रूप है लोकहितवाद, PIL, ध्यान देना, जो कि जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता की अवधारणा से बहुत ही निकट का संबंध है इसका। हाँ साथियों, अति महत्वपूर्ण है ये, अति महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सक्रियता के कारण जनहित याचिकाओं की
संख्या बढ़ी है दिनों दिन। मैंने कहा ना, हाल ही के वर्षों में ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही है जनहित याचिका। ये न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है, यह न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप माना जाता है। और मैंने पहले भी बता दिया, एक बार दोबारा मैं बता रहा हूं कि बेगम हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1978 के मामले में भारत में PIL की शुरुआत मानी जाती है, PIL की शुरुआत मानी जाती है, जो कि कहा जाता है कि इस मामले के जो अधिवक्ता थे, वकील थे, कपिला हिंगोरानी थी, जिन्हें लोकहितवाद की जननी कहा जाता है, जबकि इसको परिभाषित SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने PIL को भारतीय संदर्भ में परिभाषित किया। और मैं बार बार कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों में ही ये मानो जनहित याचिका जारी हो सकती है। उसके आगे देखो, PIL का उद्देश्य, तीन बड़े उद्देश्य नोट करना। पहला हम कहते हैं कानून के शासन की रक्षा करना, कानून के शासन की रक्षा करना पहला उद्देश्य जनहित याचिका का। नंबर दो, जो भी हमारे समाज के दुर्बल वर्ग हैं उन सभी तक न्याय की प्रभावकारी पहुंच बनाना, जो भी हमारे सामाजिक आर्थिक दृष्टि से ये मानो पिछड़े हुए कमजोर है दुर्बल है ना, उन सभी तक न्याय की प्रभावकारी पहुंच बनाना PIL का उद्देश्य नोट करना। थ्योरिकल पेपर में आ सकता है PIL के प्रमुख उद्देश्य बताइए। और तीसरा महत्वपूर्ण, मूल अधिकारों को सार्थक रूप में प्राप्त कराना, यह भी इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है साथियों। उसके आगे देखो, अति महत्वपूर्ण जानकारी, 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने इसका विषय क्षेत्र भी बताया है, और 2003 में संशोधन भी किया है इसके अंदर। इसे नोट करना, अति महत्वपूर्ण है PIL का विषय क्षेत्र। साथियों ध्यान देना, मैं मौखिक बोल रहा हूं, इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन सकते हैं। सन 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने PIL के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्यवाही के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए। इन दिशा निर्देशों को 2003 में संशोधित किया गया। अब ध्यान देना, किन किन के विषय में ये मानो जनहित याचिका लगाई जा सकती है, ध्यान देना, कौन कौन से ऐसे विषय हैं। नंबर एक, बंधुआ श्रमिक। नंबर दो, अपेक्षित बच्चे। नंबर तीन, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना। नंबर चार, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ याचिका, चाहे वो दहेज हो, चाहे आप कहोगे उत्पीड़न हो, हिंसा हो, बलात्कार हो, मारपीट हो, ऐसी महिलाओं पर जो अत्याचार के खिलाफ याचिकाएं हो सकती है। उसके बाद में नंबर पांच, SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायत संबंधी याचिकाएं। इसी प्रकार पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी याचिकाएं, चाहे वो परिस्थितीय तंत्र से ही संबंधित क्यों ना हो। उसके बाद में नंबर सात, दंगा पीड़ितों की याचिकाएं। नंबर आठ, जो कि पारिवारिक पेंशन। नंबर नौ, पुलिस संबंधी, ये मानो पुलिस हिरासत में जो कैदी हैं उनके साथ पुलिस अधिकारी भी ये मानो अत्याचार करते हैं, तो उनके विरुद्ध भी जनहित याचिकाएं लगाई जा सकती है। तो ये मैंने जो नौ विषय बोले हैं,
इनके विरुद्ध ये मानो जनहित याचिकाएं लगाई जा सकती है। कहने का लव ये 9 विषय क्षेत्र हैं जिन पर ये मानो कि जनहित याचिका जारी की जा सकती है न्यायालय में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। यह बात कब तय की गई? 1998 में इसका विषय क्षेत्र बताया, जिसमें 2003 में संशोधन भी किया गया था। तो ये 9 विषय जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद में निम्न मामले में शामिल नहीं होंगे इस विषय क्षेत्र में, इनकी जनहित याचिकाएं जारी नहीं हो सकेगी न्यायालय में। नोट करना कौन कौन से विषय शामिल नहीं होंगे। नंबर 1, मकान मालिक किराएदारों के मामले इसमें शामिल नहीं होंगे, मकान मालिक किराएदारों के मामले। नंबर 2, सेवा संबंधी, चाहे वो केंद्र सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से संबंधित सेवाएं हो। नंबर 3, मेडिकल तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं में नामांकन से संबंधित भी याचिका नहीं लगेगी। नंबर 4, शीघ्र सुनवाई के लिए हाई कोर्टों में एवं अधीनस्थ न्यायालयों में दाखिल याचिकाओं पर भी जनहित याचिका नहीं लगाई जा सकेगी। शीघ्र सुनवाई के लिए जो हाई कोर्टों में, उच्च न्यायालयों में एवं अधीनस्थ न्यायालयों में दाखिल याचिकाएं ना, उनके विरुद्ध आप जनहित याचिका नहीं लगा सकते। उसके बाद में नंबर 5, केंद्र व राज्य सरकार के विभाग और स्थानीय निकायों के जो भी मामले उपयुक्त मामलों में नहीं है, उनके विरुद्ध आप जनहित याचिका नहीं लगा सकते। साथियों, तो ये बात जरूर नोट करना कि इसका विषय क्षेत्र क्या है। जनहित याचिका PIL बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कई फैक्ट है वो भी तैयार करना, जनक है जननी है, शुरुआत कब हुई, कौन से न्यायाधीश इससे संबंधित है, कौन से मामले में इसकी शुरुआत मानी जाती है, कौन से मामले में इसको परिभाषित किया गया और किसके द्वारा जारी हो सकती है, ये तो इसके फैक्ट कहे जा सकते हैं। इसके अलावा थ्योरिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। साथियों, आप देखोगे कि जनहित याचिका पर आपको ज्यादा वीडियो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि साथियों, इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही कम वीडियो बनाए जाते हैं, इसलिए कह रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो कि जनहित याचिका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शॉर्ट में कह सकते हो PIL की शुरुआत कब हुई, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसका अभिप्राय क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो साथियों, इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, एक नया टॉपिक होगा न्यायिक पुनरावलोकन, अति महत्वपूर्ण है वो टॉपिक भी, जो कि बहुत बार उसमें से भी क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो साथियों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि दिल में हमारी याद रखना, चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, कभी कोई हरा ना सके आपको, ऐसा अपना मुकाम रखना साथियों, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक करना तो कभी मत भूलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों और प्यारे विद्यार्थियों।